नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीटेक जंक्शन में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे आप लोगों को मिनी कंबाइन जो कि महिंद्रा अर्जुन 605 DI आई ट्रैक्टर पर लगी हुई है। अर्जुन नोवा ट्रैक्टर है किसान भाइयों। ये 57 HP का ट्रैक्टर है किसान भाइयों और 50.3 HP की इस ट्रैक्टर में PTO पावर मिलती है। तो पहले आप लोग परफॉर्मेंस देखिए इस मशीन का और उसके बाद आप लोगों को धान की क्वालिटी दिखाएंगे कि कैसा धान निकालती है यह मशीन। यह सुपर स्टैंडर्ड 735 मशीन है मल्टी क्रॉप, जिससे आप धान, गेहूं, लाही वगैरह निकाल सकते हैं। और गेहूं की अगर आप कटाई से करते हैं तो साथ में भूसा भी ये मशीन बनाती है। मालिक से फीडबैक भी लेंगे कि इसका डीजल एवरेज वगैरह क्या रहता है मशीन का और एरिया कितना काटती है घंटे में। खेत कटने के बाद भी जानकारी लेंगे, तब तक आप लोग परफॉर्मेंस देखिए। किसान भाइयों, इस मशीन में कटर बार लगभग 8 फीट का है हमारे हिसाब से, क्लियर एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं अभी। तो रास्ते में निकालने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अगर लकड़ी रास्ता है वहाँ पर भी मशीन निकल जाती है। यह सुपर स्टैंडर्ड बरनाला पंजाब की बनी हुई मशीन है। मालिक से जब फीडबैक लेंगे तो पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे, ये कहां से ली है और कितने प्राइस में कंप्लीट हुई है ट्रैक्टर पे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को बेहतर जानकारी मिल सकेगी। किसान भाइयों, क्वालिटी देखा है तो साफ धान है, कोई कूड़ा कचरा इसमें नहीं आ रहा है, बेहतर परफॉर्मेंस लगा इस मशीन का हमको अन्य मिनी मशीनों की अपेक्षा। नमस्कार किसान भाइयों, तो ये हैं इस कंबाइन मशीन के मालिक और इनका यह ट्रैक्टर है महिंद्रा अर्जुन नोवा 605 DII जो कि 57 HP के साथ में है। तो आपने ये मशीन इसी सीजन में ली है? जी।
सुपर स्टैंडर्ड 735 जी। तो पहले इस मशीन का प्राइस बताइए, कितने की पड़ी है आपको ये? हमको भैया 5.5 की पड़ी थी। अच्छा अच्छा, कहाँ से ली है? मैं लखीमपुर खीरी से लिया हूँ। अच्छा अच्छा, ऑर्डर पे आई थी पंजाब से। अच्छा हाँ, तो ऑर्डर पे आएगी, अगर लेने वाला होगा तभी मंगाते हैं। वैसे एक चीज़ बताइए, इस मशीन का जैसे परफॉर्मेंस तो हमने देखा, ट्रैक्टर भी सही चलता है तुम्हारा, स्पीड में चलता है, कौन सा गियर में इस ट्रैक्टर को चला रहे थे आप? बस दूसरे में, दूसरे किलो में। और दाना भी दिखाया, काफ़ी साफ अच्छा निकालता है। और एक चीज़ और बताइए हमारे किसान भाइयों की, कि जैसे आपका ट्रैक्टर का एवरेज क्या रहता है इस मशीन पे? यूरेज वही 7 से 8.5 तक खा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे गीला खेत हुआ अच्छा, तो 8 तक 8.5 तक पहुंच जाता है। अच्छा अच्छा, 7 रहता है। अच्छा, और ये खेत का रकबा कितना निकाल देती है एक घंटे के अंदर? अब जैसे लाग गिरी भी होगी तो, मतलब सही खेत अगर आपको मिल रहा है तो कितना एवरेज रहता है लगभग? तो वही 6 घंटे में 6 बीघा के करीब निकाल देता है। अच्छा, 1 एकड़? हाँ, 1 एकड़। और बाकी इसकी टैंक की कैपेसिटी पता है कितनी इसमें धान आ जाता है? कंपनियां ने तो बोलते हैं कि 4 है, 4 क्विंटल। हाँ, फिलहाल 3.5 तक आ जाता है। और मशीन के काम से आप मतलब खुश हैं? कोई टूट फूट तो नहीं रही इस सीजन में आपके लिए? देखो दिक्कत तो आती है, कोई भी लगता नहीं कि अगर ली जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो दिक्कत तो थोड़ी बारी तो आती है। वैसे इसके पहले कुछ मशीनें निकली थी वो कामयाब नहीं हुई थी, इसीलिए स्पेशली मतलब हम आपके पास आए थे कि ये आपकी सुपर स्टैंडर्ड जैसे 735 है तो ये कैसा काम कर रही है, इसीलिए हम आए थे। अच्छा कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, कोई मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं, बढ़िया सीजन में काम कर रही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, आप लोगों को फीडबैक देने के लिए किसान भाइयों को धन्यवाद। और ये महिंद्रा अर्जुन 605 मतलब आपका ट्रैक्टर ये कैसा चल रहा है, कितने दिन हो गए इसको चलाते हुए आपको? ट्रैक्टर तो 2016 मॉडल है। अच्छा अच्छा, नया ही लिया था जी। ठीक ठीक, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, रिएक्टर्स बढ़िया चल रहा है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जैसे मशीन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती ही है। हाँ, बाकी कोई बड़ी टूट फूट या कोई समस्या नहीं रही, जैसे किसी कुछ मशीनों में रहा कि दाना साफ नहीं निकालती थी? नहीं, आपने खुद ही देखा होगा। हाँ, देखा, इसीलिए हम आए थे। और दाना भी साफ निकला है। हाँ, ठीक ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक ठीक, कंपनी वालों ने अच्छा भी दिया है। ठीक, मशीन के फीडबैक के लिए धन्यवाद। ये सुपर स्टैंडर्ड 735 मशीन है, आप देख सकते हैं मल्टी क्रॉप, आप इसको किसी भी 55 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर पर चला सकते हैं। देखे।